अरे तो बहुत सारे टेस्टिंग करना होता है, समझे? चलो तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब होता है? देर आर मेनी पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड दे आर कनेक्टेड विद टू ईच अदर बाई अ सर्टेन रूल। ये सारे बहुत सारे पॉइंट से मिलके ये लाइन बनी हुई है, लेकिन किसी लाइन की जो इक्वेशन होती है या आइडेंटिटी होती है, किसी लाइन के बारे में हम कहें कि किसी एक पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइनें होंगी, तो हम कहें देर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। लेकिन किसी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होके जाएगी। अगर दो पॉइंट लाइन पे फिक्स कर दिया जाए तो ये लाइन का करेक्टर, लाइन फिक्स हो गई। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो हमने कहा कि सपोज़ हमने एक पॉइंट हमें दे रखा है, से ए पॉइंट दे रखा है और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। दैट मीन्स x1, y1 नोन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एक बात और हमें दे रखी है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो m है। तो हमें बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है, बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है कि ये कैसे रिलेटेड होंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर हम कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लेते हैं, से जनरल पॉइंट x, y अगर इस लाइन पे लेते हैं, तो हम कहेंगे कि जो इस AP लाइन का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AP ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इसका मतलब स्लोप ऑफ AP हम लोगों ने पढ़ा था, दो पॉइंट दिए गए हों तो हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था y2 - y1 / x2 - x1। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो y2 हम मान ले रहे हैं कि ये x2 y2 है और ये x1 y1 तो है ही है। तो हम लिखेंगे सिंस m इक्वल्स टू क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो m की जगह पे तो m रहेगा, y2 की जगह पे y हो जाएगा, y1 की जगह पे y1 रहेगा और x की जगह पे क्या हो जाएगा, x2 की जगह पे x हो जाएगा और x ये x1 हो जाएगा। तो दैट इज़ अ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको अरेंज कर लेते हैं जैसे दुनिया देखती है। कैसे देखती है इसको? ऐसे देखती है, y - y1 = m टाइम्स क्या हो जाएगा, x - x1। तो दैट इज़ अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप क्या है, स्लोप है m, ठीक है। तो इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि ये लाइन तभी लिखी जा सकती है जब आपको एक पॉइंट पता हो और क्या पता हो, लाइन का स्लोप पता हो। दो इन्फॉर्मेशन आपको जब भी लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है, तो देर आर टू इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे वो दो इन्फॉर्मेशन कौन 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 सी है? पहली इन्फॉर्मेशन हमारी है स्लोप और दूसरा इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, पॉइंट है। तो इसे इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। आई थिंक क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन हमारे लिए है इलस्ट्रेशन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंक्लिनेशन एंड इट्स इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। अब हमें यह पता है कि हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। और हमें इंक्लिनेशन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हम उस इन्फॉर्मेशन से स्लोप भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को थीटा दे रखा है इंक्लिनेशन 45 डिग्री, ठीक है। अब हमने कहा कि x1 y1 तो अपने पास है, स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू
टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेन थीटा होता है, मतलब ये हो जाएगा टेन ऑफ 45 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे लिए इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये पॉइंट एक्स वन वाई वन हो गया और ये एम हो गया। इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू प्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई और एक्स यहाँ पे कुछ भी प्लेस नहीं करते हैं, देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। इक्वेशन जो होती है दैट इज़ अ लीनियर रिलेशन इन एक्स वाई, या एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन होती है, तो एक्स वाई तो रहना ही है, एक्स वन वाई वन एम और ये सारे नहीं रहने, इनकी जगह कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जानी है। तो वाई वन जीरो हो गया, एम वन आया है और एक्स वन भी जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू एक्स, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या इसको एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो लिख दीजिए। तो दैट इज़ अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वाट, पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन। अब देखो अगर हम इसको प्लॉट करें, सपोज मान लो कि हम इसको प्लॉट करके तुम्हें दिखाते हैं, जैसे क्या था, वाई इक्वल्स टू एक्स था ना, वाई इक्वल्स टू एक्स, तो वाई इक्वल्स टू एक्स ये लाइन हमने प्लॉट कर दी, ठीक है। तो आई थिंक ये लाइन विजिबल होगी, दिख रही होगी, चलो मेजर हम दिखा देते हैं, ये लाइन को थोड़ा हम मोटा कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं और लाइन की थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर विजिबल हो। आई थिंक अब दिख रही होगी कि ये कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, जीरो जीरो से, और इसका स्लोप वन है। क्यों स्लोप वन है, क्योंकि देखो वन वन से पास कर रही है, टू टू से, मतलब स्लोप निकालेंगे टेन थीटा, वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, ये आ जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है वाई इक्वल्स टू एक्स, वो एग्जैक्टली क्या बता रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन बता रही है ना, विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 45 डिग्री, या इक्विवेलेंटली हम लोग कह लें कि स्लोप कितना है, स्लोप वन है। अब हम लोग देखते हैं अदर फॉर्म ऑफ लाइन। हम लोग कहते हैं कि अगर हमने कह दिया कि चलो हमने कहा कि हमने कमिटमेंट ये किया था कि अगर लाइन पे दो इन्फॉर्मेशन लाइन की पता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, दो इन्फॉर्मेशन को हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमने कह दिया कि स्लोप पता था और पॉइंट पता था, अब कि हमें दो पॉइंट पता है, है ना, देर आर टू पॉइंट्स आर गिवेन ऑन द लाइन। तो हमने कहा अच्छा अब इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो हमने कहा कि काफ़ी सिंपल है ये चीज़, अगर कोरिलेट कर ले पहले वाले से, तो हमें क्या दे रखा है, देर आर टू पॉइंट, मतलब स्लोप वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये एक्स वन वाई वन पहले भी दिया था अब भी दिया है, लेकिन स्लोप की जगह पे जो दूसरी इन्फॉर्मेशन स्लोप थी पिछले वाले में, यहाँ पे हमें पॉइंट दे दिया है वाई टू माइनस वाई वन। तो हम पिछले वाले को याद करेंगे, पिछला वाला क्या था, पिछला वाला था वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव एवरीथिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हम निकाल सकते हैं ना, एन लाइन का स्लोप चाहिए और उस पर दो पॉइंट हमको पता ही है, वो दो पॉइंट क्या पता है बोलो, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। तो हमने कह दिया ये एक्स टू वाई टू है, तो हम यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। हमने कहा कि इस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन ये एम दिख रही है, ये तो हम विड्रॉ कर सकते हैं इससे, तो हम कहेंगे एम हो जाएगा क्या, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा कोई ऊपर से माइनस कॉमन कर लो, नीचे से भी माइनस कॉमन करके काट दो, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये ध्यान रहे कि कुछ भी लिखा जा सकता है, खैर हम स्टैंडर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई तुमसे तुम्हें पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इक्वेशन बिकम वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। एंड दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हैव टू इन्फॉर्मेशन, है ना, या दो इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इसे। कौन 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 सी दो इन्फॉर्मेशन, दो पॉइंट, है ना, पहला इन्फॉर्मेशन भी पॉइंट है विच इज़ एक्स वन वाई वन, और दूसरा इन्फॉर्मेशन भी पॉइंट ही है एक्स टू वाई टू। तो इसीलिए इसे कहते हैं दैट इज़ नो मोर पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज़ ओनली पॉइंट फॉर्म। तो दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, दिस इज पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। आई थिंक क्लियर होगा, दीज आर द टू फॉर्म्स, वन ऑफ देम इज पॉइंट स्लोप फॉर्म,
और ये हमने क्या कहा, पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे x y को छोड़ के बस x1 y1 पता होना चाहिए, x2 y2, देन आप लिख सकते हो। जैसे मान लो एक छोटा सा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, या डायग्राम बना दे रहे हैं। तुम लोगों में डायग्राम काफ़ी पॉपुलर होता है, ठीक है, उससे इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करना। हमने कहा चलो ये अपना कोई वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने कहा कि चलो यहाँ पे एक लाइन है जो गोल्डन कलर का है, ये है, ठीक है। और इस लाइन के बारे में हमें पता है कि चलो ये जो है दैट इज़ वन यूनिट एंड दैट इज़ टू यूनिट, और यहाँ पे वन टू और ये थ्री यूनिट है, ठीक है, ये थ्री यूनिट है, माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन, ये ओरिजिन हो गया। नाउ इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। क्या हमें इस लाइन पे दो पॉइंट हम इंश्योर कर सकते हैं? जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे तो हम बता ही सकते हैं दो पॉइंट के बारे में एटलीस्ट। कौन कौन सा पॉइंट? एक इस पॉइंट के बारे में और एक इस पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर हम कहें, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहोगे? वाह 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 वाह, माइनस थ्री कॉमा जीरो, एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं वाई का, और ये बी हो जाएगा जीरो कॉमा टू। अब दो पॉइंट हो गया, तो किसी को एक को हम एक्स वन वाई वन लेते हैं, किसी को एक्स टू वाई टू। कोई कहेगा क्या सर ये एक्स वन वाई वन लेना ज़रूरी है? ना, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी, लेकिन एक्स वन वाई वन एक जगह, एक्स टू वाई टू दूसरी जगह पे, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था अपना? सिंस पॉइंट स्लोप फॉर्म था y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स वन। अब वैल्यू प्लेस कर दो, तो वैल्यू हो जाएगा y माइनस वाई वन जीरो इक्वल्स टू वाई टू मतलब टू माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस माइनस थ्री एंड x माइनस एक्स वन इज माइनस थ्री दैट इज प्लस थ्री। आप y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हेलो, y इक्वल्स टू टू बाई थ्री टाइम्स x प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, दैट इज रिटेन एज ए 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 6। तो इसको लिखा जा सकता है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। आई थिंक क्लियर होगा ये, हम ये आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं कि ये चीज़ जो है, अब ध्यान रखिए क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, कन्फर्म। अब देखो इसको हम प्लॉट करके दिखा देते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। तो हमने इसको हटाया और हमने ड्रॉ किया 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। क्या वही लाइन आती हुई दिख रही है? देख लो, एकदम जूम करके देख लो, एकदम जूम करके, हाँ, दिखा, देख लो, आई थिंक क्लियर होगा एकदम विजुअल। इसका मतलब जो हम लोगों ने फाइंड आउट करा है इक्वेशन, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है, वो इक्वेशन प्लॉट कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। नाउ अब दो फॉर्म इक्वेशन की हो गई, अब हम देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देर आर टू इन्फॉर्मेशन आर गिवेन। एक दिया है कि कोई भी जो हमारा लाइन है वो वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका स्लोप क्या है। यस, वी हमें कितना नीड है, दो इन्फॉर्मेशन की नीड है किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो हमने कहा अच्छा भाई दे दिया है, तो ये लाइन दे दी है, सपोज़ ये लाइन है गोल्डन कलर की, और हमें दे दिया गया है कि ये जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है, दिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से लेके जितना कट कर रही है,
और साइन सहित लेना है। अगर ये पॉजिटिव कट कर रही है तो प्लस लेना है, और निगेटिव कट कर रही है तो माइनस लेना है। तो साइन का ध्यान देना है, लेकिन ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे कि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अंडरस्टूड है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है, ये अंडरस्टूड है इसमें, ठीक है, जो आपको डिफॉल्ट पता होता है कि ये वाई एक्सिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब इंटरसेप्ट किसका, वाई एक्सिस का। तो हमने कहा कि ये, हमने कह दिया कि ये सी लेंथ है, ये कितना है, सी है, ये गिवन है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, एम है। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख के दिखाओ, किसी ने कहा, हमने कहा अच्छी बात है, हम तो लिख ही देंगे। हमने कहा कि जो ये पॉइंट ए है, हम इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, है ना, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, दैट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी, वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इसका स्लोप एम दे रखा है। तो हमने कहा कि अच्छा, अब तो हमें पता चल गया, एक पॉइंट पता चल गया एक्स वन वाई वन, और दूसरा क्या पता चल गया, एक स्लोप पता चल गया। तो हमने कहा अब क्यों ना हम पॉइंट स्लोप फॉर्म सीधे लगा दें, क्या लगा दें, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म पता होता है, क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अपने को एक्स वन वाई वन पता है, कितना पता है, तो हम लोग रखेंगे वाई माइनस वाई वन हो गया हमारा सी, एम एम है, और एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे हो गया ज़ीरो। तो दैट इज वाई माइनस सी इक्वल्स टू एम इंटू एक्स, एंड वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो दैट इज़ अ पॉपुलर इक्वेशन जो आपको फिजिक्स में काम देगी, आपको केमिस्ट्री में काम देगी, इन फ्यूचर अभी भी काम देगी, ये काफ़ी पॉपुलर है ना, पॉइंट सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काफ़ी पॉपुलर है। तो जब भी फिजिक्स में टीचर काइनेमेटिक्स पढ़ाएगा, है ना, केमिस्ट्री में मतलब बहुत सारे प्लॉट करेगा ग्राफ, तो हमेशा स्लोप इंटरसेप्ट की बात करेगा, है ना, बहुत सारा मैथ नहीं, क्योंकि वहाँ बाय वाले भी होते हैं, तो थोड़ा सा बात करेगा, वो कहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप 10th लेवल पढ़ के आए हैं, ठीक है। खैर, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो तीन फॉर्म हम लोगों ने देखा, स्लोप नहीं, ठीक, तो दैट इज कॉल्ड द स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। दैट मीन्स जब भी आपको दो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पता हो, स्लोप पता हो, इंटरसेप्ट पता हो, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं लगाने वाले हो, आप पॉइंट फॉर्म नहीं लगाने वाले हो। इसका मतलब कि जैसे हमें मान लो कि पनीर की सब्ज़ी बनानी है, अब दूध को थोड़ी नहीं याद करेंगे, ये अलग की बात है, दूध से स्टार्ट करके हम पनीर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी है, जो जिस फॉर्म के लिए हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पता है, हमें डायरेक्ट उसको अप्लाई करना है, जाहिर सी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं, तीन फॉर्म लाइन की हो गई, अब बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। व्हाट डज इट मीन, इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे इस बार आपको प्योरली इंटरसेप्ट पता है, सिर्फ इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट, जैसे पॉइंट फॉर्म था दोनों पॉइंट पता था, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, सिर्फ इंटरसेप्ट पता है, है ना, इंटरसेप्ट। तो हमने कहा कि चलो डिराइव करना है हमें इक्वेशन, तो हम एक सिंपल सा लाइन लेंगे जो कुछ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है और कुछ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो हमने कहा कि ये क्या होता है, हमने कहा ओरिजिन ओ है और ए, ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया, और ओ बी एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया, और हमें ये जो लेंथ दे रखी है ओ से लेके बी तक, मान लो ए है, मतलब एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ए है, और जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है वो बी है। हमने कहा अच्छा, अच्छी बात है, अब क्या किया जाए, हमने कहा कि दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट फॉर्म, है ना, कैसे, हम कहें कि ए का कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, ए कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब अपसिसा उसका जीरो होगा, और ऑर्डिनेट उसका प्लस का बी हो जाएगा।
बी कोऑर्डिनेट का, बी का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, चूंकि बी बी पॉइंट एक्स एक्सिस का मेंबर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। अब हमने कहा वाह, पिछला जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ रखा है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमने कहा इसे हम ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, है ना, और इसे ले लेते हैं एक्स टू वाई टू, और याद करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म को। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म था वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, और सारी वैल्यू उड़ेल देते हैं जितना हम लोगों ने ले रखी है। तो वाई माइनस वाई वन मतलब बी इक्वल्स टू वाई टू, वाई टू बोले तो ज़ीरो माइनस बी अपॉन एक्स टू ए है और माइनस ज़ीरो हो गया, और एक्स माइनस एक्स वन मतलब ज़ीरो हो गया। वाह, क्या आ गया आपका, वाई माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए टाइम्स एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। अब देखिए आप सब कुछ को पॉजिटिव बनाइए, है ना, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, अदर साइड ले जाके, तो हम लोग क्या करते हैं ए बी को इस साइड में ले आते हैं और बी एक्स को इस साइड में ले आते हैं, तो ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई, सब पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है, ए बी से डिवाइड कर दीजिए हर टर्म को, है ना, तीन टर्म आपके पास हैं, कौन कौन सा है, बी एक्स है, ए वाई है और ए बी है, तीनों को ए बी से डिवाइड कर दीजिए, किसी इक्वेशन को अलाउड है डिवाइड करना। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, बी एक्स ओवर ए बी प्लस ए वाई ओवर ए बी इक्वल्स टू ए बी ओवर ए बी, तो आर एच एस तो आपका वन आता हुआ दिख रहा है ना, वन आ गया, कुछ लोग इसे काट के जीरो भी लिख देते हैं ना, महान आत्माएँ होती हैं, खैर ये बी भी कट गया, तो क्या आ गया अपना जो आंसर आता हुआ दिख रहा है या फॉर्म आती हुई दिख रही है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी एंड इक्वल्स टू वन। काफ़ी याद रखना, काफ़ी आसान होता है, क्योंकि एक्स के नीचे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, एक्स के नीचे उसका इंटरसेप्ट, वाई के नीचे उसका इंटरसेप्ट, अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं करें, है ना, एक्स के नीचे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई के नीचे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। आई थिंक क्लियर होगा, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, दिस इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। और यही तीन चार फॉर्म आपको पढ़नी है, ठीक है, कौन कौन सी पढ़नी थी, क्या क्या हम लोगों ने बात करी, सबसे कहाँ से पहले शुरुआत करा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, फिर पॉइंट फॉर्म सेकेंड हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और चौथा हो गया प्योरली इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये चार फॉर्म लाइन की होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन से आप इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करिए, वो पर्टिकुलर फॉर्म अप्लाई करिए, और सब के सब इंटर रिलेटेड, देख रहे हैं ना, डिराइव करने के लिए हमने किसी एक को किसी दूसरे से इस्तेमाल कर लिया, तीसरे को इस्तेमाल कर लिया, सब इंटर रिलेटेड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे नज़दीक है आपकी इन्फॉर्मेशन, जिस भी फॉर्म के नज़दीक है उस वाले फॉर्म को पिकअप करिए, वैल्यू प्लेस करिए, यू गेट द आंसर। क्लियर है, बोलोगे?